बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबाड़ा ताप्ती नदी से पुष्पा फिल्म की तरह सागौन की तस्करी हो रही थी, लेकिन इस तस्करी को वन विभाग के अमले ने पकड़ लिया। तस्कर सागौन की तस्करी करने में फेल हो गए। विभाग की टीम ने ताप्ती नदी से 18 नग सागौन के लट्ठे जब्त कर लिए हैं, जो करीब 3 घन मीटर के बताए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से जंगल में नजर रखी जा रही है। इसी के चलते अब तस्कर नदी को अपना सहारा बना रहे थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने उनके इस पूरे अरमान पर पानी फेर कर इस तस्करी का भांडा फोड़ दिया। ताप्ती नदी से सागौन की तस्करी के मामले लगातार ही सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है। जब पुष्पा फिल्म की तरह ताप्ती नदी से सागौन की तस्करी की सूचना मिली तो वन विभाग ने दबिश दी और यहां से सागौन की लकड़ी को जब्त कर लिया है। पुष्पा फिल्म की तरह सागौन की तस्करी हो रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। वन विभाग की ओर से लगातार ही जंगल में सागौन के पेड़ों की कटाई के मामले आ रहे थे, जिसके बाद से ड्रोन के माध्यम से जंगल में नजर रखी जा रही थी, जिसको लेकर अब तस्कर नए नए रूप तस्करी के लिए अपना रहे हैं। इसलिए वे ताप्ती नदी से तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन तस्करों को भी नाकाम साबित कर दिया है। वन विभाग के SDO अजय सागर से बात की तो उन्होंने बताया कि तस्करों द्वारा ताप्ती नदी का सहारा लेकर सागौन की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलने पर टीम ने दबिश दी और यहां से 18 नग सागौन के लट्ठे जब्त कर लिए हैं। यह करीब 3 घन मीटर के हैं। अब तस्करों की तलाश की जा रही है।